नमस्कार मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा संस्कृति आई के के इन न्यूज एपिसोड 21 में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम क्या करते हैं तो चर्चा में रहने वाले विषय की मानचित्र के माध्यम से विस्तार से बात करते हैं उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी की नर्मदा नदी की बात करते समय हम उनकी सहायक नदियाँ देखेंगे उनके अपवाह क्षेत्र देखेंगे साथ ही उनमें कौन कौन से बांध बनाए गए हैं कौन कौन से प्रमुख जल प्रपात है साथ ही वहाँ कौन से संरक्षित क्षेत्र मौजूद है इसकी भी बात करेंगे साथ ही ये भी बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में विगत वर्ष में कौन सा प्रश्न इससे संबंधित पूछा गया है इस सीरीज में हम पहले ही बात कर चुके हैं किसकी तो गंगा की सहायक नदी यमुना की बात कर चुके हैं सतलज की बात कर चुके हैं साथ ही हम कावेरी की बात विस्तार में कर चुके हैं आज हम किसकी बात करेंगे तो नर्मदा की बात विस्तार में करेंगे और अंतिम में इस जो सीरीज की परंपरा है आपको देंगे एक अभ्यास प्रश्न पिछले अभ्यास प्रश्न का आंसर आपने बहुत गलत दिया था तो उसको भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों आपसे गलती हो गई क्योंकि उस अभ्यास प्रश्न का जो पैटर्न रखा गया था वो 2023 के प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग रखा था तो आज आज हम क्या करेंगे उस अभ्यास प्रश्न अभ्यास प्रश्न प्रश्न से शुरू करते हुए के को देते हुए आज का लेक्चर जो है वो खत्म करेंगे तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है देख लेते हैं सूचना क्या है सूचना ये है कि संस्कृति आई आपके लिए लेकर आ रहा है यूपी आरो ए आरो का कोर्स ये कोर्स कैसा होगा तो ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगा इसमें और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होंगी देखिए कोर्स की विशेषता क्या है वो देख लेते हैं 150 घंटों से अधिक की कक्षाएं होंगी जिसमें प्रतिदिन आपकी दो कक्षाएं होंगी कोर्स कब तक वैलिड होगा जिस दिन आप ये कोर्स लेते हैं उसके एक साल तक ये आपके लिए कोर्स वैलिड रहेगा इसमें टोटल आपको पंद्रह टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इस टेस्ट में प्रिलिम्स के भी टेस्ट होंगे और मेंस के भी टेस्ट होंगे इस कोर्स में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिया जाएगा देख लीजिए इसकी फीस क्या है तो जो प्रथम 200 विद्यार्थी हैं उनके लिए फीस मात्र होगा रुपए और साथ में ये कब से शुरू हो रहा है तो एक नवंबर से शुरू हो रहा है समय दिया गया है आठ बजे सुबह और शाम के चार बजे अधिक जानकारी के लिए हमेशा की तरह आपको क्या करना है तो संस्कृति आई की वेबसाइट पर संपर्क करना है या दिए गए नंबर पर कॉल करना है आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की विषय की नर्मदा नदी क्यों चर्चा में है क्योंकि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्देश जारी किया है कि नर्मदा जो है वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र नदी है और उसे संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है आप जैसा कि जानते हैं कि नर्मदा नदी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश के लिए आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसीलिए ही नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है तो मध्य प्रदेश का लाइफ भी कहा जाता है और इस लिहाज से भी नर्मदा नदी क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसलिए एनजीटी ने क्या कहा है एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है कि पवित्र नदी पायस नदी जो है हमारी नर्मदा उसे क्या किए जाने की आवश्यकता है तो संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न की जिस जिसका उत्तर मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था देखिए आपने क्या किया था बिल्कुल सही अप्रोच अपनाया था लेकिन वेलकम टू यूपीएससी हम यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमें क्या करना है तो छोटी छोटी चीजें बहुत गौर से देखनी है दो कथन आपने बिल्कुल सही जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ दो कथन बिल्कुल आपने सही किया था कौन कौन सा कथन सही किया था कि मर्रे नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है ये तो बिल्कुल आपने सही पहचाना आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है ये भी आपने सही पहचाना लेकिन जो पहला कथन था वो उसमें क्या लिखा था ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर क्या दिया गया है दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है यहाँ तक आपने किस्सा सही पहचाना कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है यहाँ तक सही पहचाना गया लेकिन दक्षिणी पूर्वी तट पर आप लोग क्या कहा गए तो मार खा गए हैं तो ये जो है वो कहाँ पर अवस्थित है ये हो गया नॉर्थ का डायरेक्शन और ये हो गया ईस्ट का डायरेक्शन तो जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का आपको दिखाई देगा वो कहां पे दिखाई देगा तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देगा तो ये कथन जो क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो आपके दो कथन सही है यहाँ पे तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा किसी एक स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर दिया है तो उनको शुभकामनाएं आगे इसी तरीके से हम जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से क्या करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी नर्मदा नदी की देखिए नदी को जानने से पहले हम भारत का अपवाह तंत्र अच्छे से देख लेते हैं अगर हम भारत के अपवाह तंत्र को विभाजित करें तो भारत के अपवाह तंत्र को विभिन्न तरीके से विभाजित किया जा सकता है एक उत्तरी भारत में बहने वाली नदियां दूसरा दक्षिणी भारत में बहने वाली नदियां वही हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत में निकलने वाली नदियाँ तो ऐसे विभाजित कर सकते हैं साथ में हम कैसे विभाजित कर सकते हैं कि इन नदियों का अपवाह कहाँ हो रहा है इस आधार पर भी हम क्या विभाजित कर सकते हैं तो भारत की नदियों को विभाजित कर सकते हैं तो आपको अपवाह किन क्षेत्रों में दिखाई देगा एक दिखाई देगा बे ऑफ बंगाल में और दूसरा दिखाई देगा आपको अरेबियन सी में जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो कुछ ऐसे शेप में है यानी पूर्व की तरफ झुका हुआ है इसलिए नदियाँ किस तरफ बहती है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ होकर बहती है लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो कौन सी नदी है तो वो है नर्मदा नदी उसका फ्लो आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा तो ये नर्मदा नदी है उसका फ्लो आपको देखने को मिलेगा ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में यानी ये वेस्ट फ्लोइंग नदी है जो प्रायदीपीय भा, भारत की अधिकांश नदियां हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती है लेकिन जो नर्मदा और तापी नदी है वो किस तरफ बहती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर होकर बहती है अब इसका कारण क्या है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है भ्रंश घाटी कहने का मतलब क्या हुआ दो चट्टान है उसके बीच में आपको अगर एक दरार पड़ जाती है यानी भ्रंश रेखा बन जाती है और ये दोनों चट्टान विपरीत दिशा में बढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ पे क्या निर्माण हो जाएगा भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा और वहां से क्या होकर बहेगी नदियां बहेंगी तो उसे क्या कहा जाता है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कहा जाता है तो ये जो डायरेक्शन है ये जो स्लोप है वो इस डायरेक्शन में है तो सारी नदियां किस तरफ बह रही है महानदी हो गया गोदावरी हो गया कृष्णा हो गया कावेरी हो गया ये नदियां किस तरफ बह रही है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई दिखाई देगी लेकिन नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी में बहने के कारण क्या होता है इसका प्रवाह आपको कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा इससे ही संबंधित एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कौन सा प्रश्न है वो देख लेते हैं 2013 का ये प्रश्न है प्रश्न क्या है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है ऐसा क्यों है ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कथन एक में क्या लिखा है कि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है यानी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है तो इसकी बात हमने की है कि क्यों ये पश्चिम की तरफ बह रही है क्योंकि ये भ्रंश घाटी में होकर बहती है इसलिए इसका प्रवाह किस ओर देखा जाता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाता है जबकि अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो स्लोप के कारण कहाँ बह रही है तो पश्चिम की पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है ये याद रखना है तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है दूसरा कथन क्या कह रहा है कि जो नर्मदा नदी है वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है तो आप अगर ये देखेंगे तो ये है नर्मदा नदी यहाँ आपको विंध का विस्तार दिखेगा यानी उत्तर में आपको विंध का विस्तार दिखाई देगा दक्षिण में आपको किसका विस्तार दिखाई देगा तो सतपुड़ा का विस्तार दिखाई देगा यहाँ पे आपको मैकाल श्रेणिया दिखाई देगी साथ में अमरकंटक दिखाई देगा तो ये किसके किसके बीच बह रही है तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच बह रही है मतलब ये कथन बिल्कुल सही होना चाहिए लेकिन वापस वेलकम टू यूपीएससी प्रश्न आपसे पूछा है कि पश्चिम की ओर बहने का कारण क्या है ये नहीं पूछा गया है कि नर्मदा नदी कहाँ से बह रही है किसके बीच से बह रही है ये उनका प्रश्न नहीं है उनका प्रश्न है ये है कि वो पश्चिम की ओर क्यों बह रही है तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है प्रेशर में हम क्या करते हैं तो गलत ऑप्शन पर टिक लगा के आते हैं तो ये ऑप्शन आपका गलत है अब देखिए तीसरा कथन क्या कह रहा है भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में भूमि का ढलान किस ओर है तो पूर्व की ओर है इसलिए नदियां पूर्व की तरफ बह रही है अब यह ऑप्शन कह रहा है कि मध्य भारत जो है उसका ढलान पश्चिम की ओर है इसलिए नर्मदा ऐसे बह रही है ऐसे बह रही है क्या तो बिल्कुल नहीं भ्रंश घाटी के कारण ये किसकी ओर बहती है पश्चिम की ओर बहती है तो आपका दूसरा और तीसरा दोनों कथन हो जाता है गलत तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है और कौन कौन सी नदियां जो में होकर बहती है? तो वो देख लेते हैं तो वो कौन कौन सी नदियां है एक आपको मिलेगी नर्मदा जिसकी बात हमने कर ली है दूसरा मिलेगी तापी और तीसरा मिलेगी दामोदर जो नदी है वो किसमें बहती है भ्रंश घाटी से होकर बहती है ये आपको ध्यान रखना है अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो आपको नील नदी दिखाई देगी जो भ्रंश में होकर बहती है अवस्थित है, वीडियो, वीडियो तो है वो भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है साथ में आपको यूएसए में आपको रियो ग्रांडे नदी दिखाई देगी वो भी कहां से होकर बहती है तो भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदी है इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है वापस चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं ठीक है हमने बात की अभी कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से कहां की ओर बह रही है तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नर्मदा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है क्या कह रही हूँ मैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है ठीक है ये नहीं कह रही हूं कि भारत की सबसे लंबी नदी है भारत की लंबी नदियों की सूची देखिए तो सबसे लंबी नदी आपको गंगा फिर उसके बाद गोदावरी फिर कृष्णा फिर यमुना और पांचवी नंबर पे आपको दिखाई देगी नर्मदा नदी मतलब भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नर्मदा नदी है जिसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा तेरह किलोमीटर में ठीक है अगर हमें हम बात करें हिमालयन रिवर की तो हिमालयन रिवर में कौन कौन से रिवर सिस्टम आते हैं तो सिंधु नदी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी का मिलेगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा वहीं प्रायदीपी में आपको कौन कौन सी नदियाँ दिखाई देगी तो गोदावरी नर्मदा कृष्णा महानदी कावेरी नदी और आपको तापी नदी दिखाई देगी कहाँ प्रायद्वीपीय भारत में आपको दिखाई देगी जिसमें से हम कावेरी की बात कर चुके हैं आज हम बात कर रहे हैं नर्मदा की ठीक है तो इतनी बातें हमने कर ली है किन किन राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा ये देखते हैं तो आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में और गुजरात में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा एक चीज इसका उद्गम कहाँ से होता है सबसे पहले बात उसकी कर लेते हैं जो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है ईस्टर्न एमपी में यानी पूर्वी मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक है जो मैकाल श्रेणी के निकट है वहां से नर्मदा नदी निकल रही है कहाँ से निकल रही है तो पूर्वी मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी के समीप अमरकंटक से जो कहां पर है अनूपपुर जिले में है वहां से नर्मदा नदी निकल रही है इसका मैक्सिमम जो विस्तार दिखाई देगा जो महत्वपूर्ण विस्तार दिखाई देगा वो कहां देखने को मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देगा ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई की बहती है मध्य प्रदेश में आपको इसका विस्तार 1079 किलोमीटर का दिखाई देगा फिर ये आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में क्या करती है सीमा का निर्माण करती है कितने किलोमीटर की करती है तो याद रखेगा थर्टी फाइव किलोमीटर की सीमा का निर्माण ये कहाँ कर रही है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तो के बीच में कर रही है आगे चलते हुए ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में भी क्या करती है सीमा का निर्माण करती है कितने किलोमीटर तक चलती है तो 39 किलोमीटर तक ये कहाँ चलती है तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में चलती हुई ये भड़ौज के पास जो गुजरात में है वो कहाँ गिर जाती है तो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है अमरकंटक से निकलती है किन राज्यों के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में सीमा बनाते हुए ये गुजरात के भड़ौज जिले में क्या हो जाती है तो खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में जाकर गिर जाती है एक बार इसका विस्तार अगर हम अच्छे से देख लें तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है कितने किलोमीटर है तो एक नवासी किलोमीटर आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर आपको कितना दिखाई देगा तो थर्टी फाइव किलोमीटर दिखाई देगा महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर थर्टी नाइन किलोमीटर दिखाई देगा और गुजरात पर इसका विस्तार कितना देखने को मिलेगा तो आपका वन फिफ्टी नाइन किलोमीटर का विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा गुजरात में देखने को मिलेगा अगर हम इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो उसका अपवाह जो क्षेत्र है वो निन्यानवे स्क्वायर किलोमीटर का है और सबसे ज्यादा जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो किस राज्य में देखने को मिलेगा तो एमपी में इसका सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा आपको एमपी में देखने को मिलेगा फिर गुजरात में देखने को मिलेगा और फिर महाराष्ट्र में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा कितना विस्तार है निन्यानवे हजार स्क्वायर किलोमीटर लगभग इसका विस्तार है कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा तो गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई भी मध्य प्रदेश में है और सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र भी जो है वो मध्य प्रदेश में है आगे बढ़े और बात कर ले अगर हम सहायक नदियों की तो देख लीजिए कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं तो सहायक नदियों की हम बात करते समय हम क्या बात करते हैं तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी बाएं तट की नदियों की बात करते हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी दाएं तट की नदियों की बात करते हैं दाएं तट की नदियां कौन कौन सी है वो देख लेते हैं महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में आपको दिखाई देगी बरना कोलार हिरन और मान चार नदी यहाँ पे आपको प्रमुख सहायक नदियों में दिखाई देगी जो दाएं तट पर मौजूद है कौन कौन सी नदियाँ हैं तो बरना है कोलार है मान है और हिरन जो है वो किसकी सहायक नदियां है तो नर्मदा की दाएं तट की सहायक नदियां हैं वहीं हम बात करें किसकी बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो आपको क्या क्या दिखाई देगा यहाँ बर्नर दिखाई देगा बंजर दिखाई देगा शेर दिखाई देगा सक्कर तवा छोटा तवा ये सब क्या दिखाई देगा बाएं तट की प्रमुख नदियां हैं बाएं तट की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं तो आपको बर्नर बंजर शेर शक्कर तवा और छोटा तवा जो है इसकी बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं ये याद रखिएगा दाएं तट में कौन कौन थी तो बर्ना कोलार मान हिरन तट की है बाएं की कौन सी है तो बर्नर बंजर शेर शक्कर छोटा तवा जो है वो बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं अगर डैम की बात करें कि इस पर कौन कौन से प्रमुख डैम है वो देख लीजिए तो बरगी डैम आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंदिरा सागर डैम दिखाई देगा सरदार सरोवर प्रमुख डैम दिखाई देगा इसके अलावा आपको दिखाई देगा नर्मदा सागर डैम और ओमकारेश्वर डैम दिखाई देगा ओमकारेश्वर जो है वो इतिहास और सांस्कृतिक तौर पर क्यों महत्वपूर्ण है इसका जवाब आपको कहाँ देना है तो कमेंट बॉक्स पर देना है आगे चलते हैं और बात किसकी करेंगे हम बात करेंगे प्रमुख द्वीप की तो आपको यहाँ पे एक आलिया बेट आलिया भट्ट नहीं आलिया बेट नाम का द्वीप दिखाई देगा ये महत्वपूर्ण है याद रखिएगा दूसरा जो महत्वपूर्ण द्वीप है वो है साधु बेट का याद रखिएगा कौन सा द्वीप है तो साधु बेट का द्वीप है क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको यहीं पे नर्मदा नदी के तट पर दिखाई देगी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो आपको नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट द्वीप पर दिखाई देगी दो द्वीपों की बात की हमने किसके किसकी बात की है तो आलिया बेट द्वीप द्वीप की बात की है और साधु बेट द्वीप की बात की है ये बात आप याद रखिएगा इसके अलावा प्रमुख जल प्रपात की बात करें तो आपको धुआंधार जल प्रपात यहाँ पर दिखाई देगा बहुत इंपॉर्टेंट है भूलना नहीं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं संरक्षित क्षेत्र की ऐसा प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है किसके संबंध में पूछा जा चुका है तो कावेरी नदी के बेसिन के संबंध में पूछा जा चुका है तो इस लिहाज से सभी नदी पर उपस्थित जो संरक्षित क्षेत्र है वो परीक्षा के लिहाज से क्या हो जाते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है उसकी तरफ नजर डाले तो आपको यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दिखाई देगा साथ ही आपको यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दिखाई देगा सतपुड़ा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दिखाई देगा बोरी रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखाई देगा आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगा ठीक है तो इतने प्रमुख संरक्षित क्षेत्र आपको कहाँ दिखाई देंगे नर्मदा के इर्द गिर्द दिखाई देंगे ये आपका होमवर्क है जब भी आप नदियां पढ़ें चाहे इस सीरीज से पढ़ें इन वीडियो से पढ़ें चाहे ना पढ़ें लेकिन जब भी आप परीक्षा के लिहाज से नदियों को पढ़ें तो याद रखिएगा कि आप संरक्षित क्षेत्र को नहीं भूलेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी तो आज के अभ्यास प्रश्न की परंपरा के अनुसार आपको कहाँ देना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर देना है जो सही है तो बिल्कुल बढ़िया बात है अगर सही नहीं है तो क्यों गलत है इसका जवाब भी आपको क्या देना है तो कमेंट बॉक्स पर देना है आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के प्रश्न प्रश्न की अभ्यास क्या कह रहे हैं कि नर्मदा नदी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में सीमा का निर्माण करती है दूसरा कथन क्या कह रहा है भारत में केवल Welcome to UPSC, ये याद रखिएगा। भारत में केवल नर्मदा और तापी नदियां ही भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। वही तीसरा कथन क्या कह रहे हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के आलिया बेट द्वीप पर स्थित है कथन क्या दिए गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में जैसे पैटर्न में सेट किया गया था ये जो क्वेश्चन है उसी पैटर्न में इसके ऑप्शन सेट किए गए हैं ऑप्शन क्या है केवल एक कथन केवल दो कथन सभी कथन सत्य है या कोई कथन सत्य नहीं है ये आपको कहाँ बताना है तो कमेंट बॉक्स पर बताना है तो आज हमने बात कर ली है नर्मदा की वो भी बात की है विस्तार में अगर टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो आप हमें क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर सूचित कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद